ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है देखो। और तो यहाँ की स्पेशल अभी आई करारी रोटी, ये लग रही कि जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हो एंटीक, ये देखो ये सब ताऊजीन ला रखे हैं। सो हर हर महादेव। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने बाहर। क्या करना, कौन सा नाश्ता आज भैया कुछ स्पेशल खिला रहे हैं? कौन सा पोहा? रस्से वाला पोहा खिला रहे हैं। पोहा तो खाया था मैंने, रस्से वाला पोहा खिला रहे हैं, बोल रहे यहाँ की फेवरेट है। कल तो जो खिलाया भैया ने वो सुबह में, वो तो मज़ा नहीं आया कुछ। अभी आज वाला देखते हैं क्या सीन है ना, कैसा होता है। बोलो भैया अच्छा लगेगा तेरे को, तो देखते हैं लगता नहीं लगता है। तो चल रहे अभी। तो रात को काफ़ी बारिश हुई इधर, ये पूरा भर गया है। बाकी ये मटर और रस मैंने जो कल खाया था ना उससे बहुत बढ़िया है। सुबह यही नाश्ता करके आ रहा था, ब्रेकफास्ट करके अभी हम जा रहे हैं केवल ब्रिज में। मतलब भरूच का फेमस ब्रिज है वो, मोदी जी इसका उद्घाटन करने भी आए थे। देखते हैं, इंडिया में या कहीं भी घूम जाओ ना, पर खूबसूरती तो उत्तराखंड में ही है ना। उत्तराखंड से ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं है। उससे अच्छी जगह और उससे बेहतर खूबसूरती कहीं देखने को मिलती नहीं है। उत्तराखंड द बेस्ट प्लेस। तो वो रहा वो ब्रिज, ये पहुँचे हम केवल ब्रिज में। पूरा केबल से ही वो है ना, तब इसका नाम केबल ब्रिज रख दिया। कल 15 अगस्त थी तो लाइटिंग रहती है, तिरंगे की लाइटिंग रहती है यहाँ पे। अच्छा, शाम को आना। ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है देखो, वो रही नर्मदा। अभी रेडी होके हम लोग जा रहे हैं आरटीओ वाले के पास, गाड़ी का कुछ काम है तो अभी निकल रहे हैं हम घर से। फिर उसके बाद हम सीधे जाएंगे बरोड़ा। बरोड़ा देखते हैं क्या होता है। अभी हमें रिलायंस में बालाजी प्रोडक्ट ज़्यादा चलता ना, क्यों बना रखा था अभी यूज ही नहीं आ रहा। तो एस्केलेटर तो दो चार जो मेरे को चाहिए था, चप्पल हो गए और तौलिया वगैरह वो सब मिल गए, सब ले लिया हमने। और अभी हम जा रहे हैं भैया के काम से, देखते हैं वो ऑफिस खुला है नहीं खुला है, क्या है उधर का प्रोसेस, तो देख रहे हैं। चलते हैं अभी। तो अभी हम आरटीओ के वहाँ गए थे, पर वो अभी कहीं वो गए हैं और वो बोल रहे कि 3:30 बजे खुलेगा, तो गलत टाइम पे आ गए हम और हमारा काम अटक चुका है यहीं पे। समझ में नहीं आ रही कि घर को जाएं, इधर को जाएं, किधर को जाएं। अभी तो हम गाड़ी में बैठ के सोच रहे हैं भैया क्या करें थोड़ा। हमको हमने वो रिलायंस में हमने बाद में जाना था, यहाँ पहले आ जाना था। चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है। तो भैया ने काफ़ी डिशेस हमको गिनाई, क्या खाना है क्या खाना है। मेरे को इधर का कुछ खाना बढ़िया लग नहीं रहा है। अभी हम खाने जा रहे पुलाव। लास्ट पे हमारा जो निकला कि क्या खाते खाए क्या खाते, लास्ट में अभी पुलाव खाएंगे, देखते हैं पुलाव क्या होता है। इधर का मसाला खा के ना पेट ख़राब हो जा रहा है, पता नहीं क्यों इतना मसाला ठूस दे रहे खाने में। तो अभी हम खाना आ रखे हैं इधर सिद्धेश्वर रेस्टोरेंट में। तो पहले लगा दी उन्होंने थाली और एक चार कटोरियाँ। तो वहाँ से हम आ चुके हैं बाहर, वहाँ भी सब कुछ मीठा ही मीठा था। तो मीठा तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं खाना है, अभी जा रहे दूसरी जगह। अरे भगवान, इधर मीठा ही मिलता है क्या? सब कुछ मीठा और इतना मसाला डालते हैं लोग, पता नहीं क्यों कैसे खा लेते हैं। मीठे के लिए मिठाई है तो सही, खाने में भी मीठा क्यों डालना हुआ। आए हैं हम दूसरे रेस्टोरेंट में, इधर देखते हैं इधर कैसा खाना मिलता है। इधर तो फाइनली अभी हमको जो हमने ऑर्डर किया देखते हैं कैसा होता है। तो मिल गया हमको जो हमको चाहिए था, है ना। आएगा तो पता लगेगा टेस्ट। नहीं मीठा नहीं होना चाहिए, बस मीठा मना कर दिया हमने।
मीठे ने तो पूरी हालत ख़राब कर दी। सबसे पहले हमारे यहाँ छाँस मट्ठा, घर पे खाते नहीं हम इसको, और अभी यहाँ देखो पैसे के मंगानी पड़ रही है। ये होता ना अपनी जगह की चीज़ें ना बाहर जाके पता चलती है कि क्या सही होती है। वो जो मिलता है उसकी कदर करो ना, बाहर जाके मीठा ही खाना पड़ेगा सब। अपने खाने की वो करो, यहाँ सही मिल रहा है करके। तो यहाँ की स्पेशल अभी आई करारी रोटी, स्टार्टर है, जैसे मसाला पापड़ होता ना वैसे ही सेम। बहुत बड़ा है यार ये तो, पहले भूल गए। पनीर अंगारा कैसा है? बढ़िया। तो खाना तो बढ़िया था इधर का ना, बढ़िया एकदम सही था। अब लगेंगे थोड़ा अच्छा खाना खाया हूँ। तो उधर से अभी हम आए हैं आरटीओ ऑफिस, इधर है इधर काम। ये रहा इधर का आरटीओ ऑफिस का, आरटीओ ब्रांच। दो साइन तो हमने ले लिया, अभी एक साइन और बाकी है। तो इधर गुजरात में ना इतनी छोटी चाय मिलती है 10 रुपये की, और 5 रुपये की इससे छोटी। जैसे हमारे उधर ना इतना भर भर के चाय देते ना, तो इसके मुकाबले तो ये वाली चाय ऐसी लग रही कि जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। तो अभी हम निकल चुके हैं भरूच से बड़ोदरा की ओर। आज मिलेंगे हैं भैया भाभी को, तो सैटरडे संडे उनकी छुट्टी रहती है, कल सैटरडे संडे है, तो कल चलेंगे कहीं घूमने उनके साथ। और फिर परसों रक्षाबंधन भी है, तो इस वजह से हम वहाँ भी जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं घर से। हम पहुँच चुके हैं घर पर। तो इस घर को पूरा ताऊजी ने डेकोरेट किया ना, ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हो एंटीक, ये देखो ये सब ताऊजी ने ला रखे थे। राज दरबार, लो ये रहे हमारे ताऊजी। द्वारपाल है ना, द्वारपाल है। खाना खाना वगैरह खा के हम लोग अभी जा रहे हैं घूमने इवनिंग वॉक पे। ये क्या खोल रहे हो, उसके अंदर क्या है? ये स्टोर रूम है। अच्छा, इसमें दाल है। दाल नहीं है? हाँ, सही में है, सही में है। अच्छा, उस वाले नाश्ता पे। तो अभी ये किस्सू और अभी कितनी दूर तक जाएंगे हम गाड़ी में? हाँ, दूर तक थोड़ी, मतलब यहाँ से है 6-7 4 किलोमीटर। चार किलोमीटर तक हम जाएंगे गाड़ी में ना, फिर उसके बाद पैदल। नहीं सही में? हाँ सही में, सच में है। हाँ। नहीं हाँ। है हाँ। अगर बगल में वर्कशॉप है, कैंटीन है, वो सब। सबसे बड़ा सेंटर बोल रहे हैं ना। हाँ, एक्चुअली जो ऑयल निकलता है ना, हाँ, तो जो ड्रिलिंग होता है ना, उसके लिए जो रिग चाहिए ना, हाँ हाँ हाँ, वो यहाँ रिपेयरिंग के लिए आती है। अच्छा, रिग जब रिग इतनी महंगी होती है, हर हमेशा नया ही नहीं खरीदेंगे, तो उसको रिफर्बिशमेंट वो सब करने सब यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे मशीन है। अच्छा बढ़िया। अच्छा, अंदर के लिए बैडमिंटन खेलने का है, टीटी है। मनु भी साथ में मज़ा आया था। यहाँ ये भी सही कर रखा है, देखो चिड़ियों के लिए ऐसे बना रखा है, पानी वानी रख के सभी पेड़ों पे ऐसे टाँग रखा है। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वो
इस पे पानी पी के वो करती है। देखो बढ़िया सारे पेड़ों पर लगा रखे है इधर को। यहाँ सभी लोग ये सॉफ्टी आइसक्रीम खाने आ रखे हैं। शाम के टाइम पे क्या तो करा नहीं आपने? ऐसा नहीं तो इधर सारे डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं दूध वाले, उधर आइसक्रीम, इधर दूध और उधर भी बहुत कुछ मिलता है। तो अभी तो कम भीड़ है, भैया बताते हैं सैटरडे संडे और ऐसे टाइम पे बहुत भीड़ होती है, इधर लंबी लंबी लाइन लगती है। बढ़िया